ईएमआई के अंदर शीट नंबर 55 आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं शीट। पहला क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, रोटेट्स विद अ स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रॉड क्या होगी। देखो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर ये एक रॉड है जिसका रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसका बी है, अगर एक रॉड को हम ऐसे घुमाएं कंडक्टर को गोल विद ओमेगा, तो आपको याद है यहाँ और यहाँ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था इंड्यूस्ड का, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया था हमने, डेरिवेशन की थी इसकी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं रॉड है, रॉड की लेंथ एल है और ये इसका एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है विद ओमेगा, तो यानी कि यहाँ पर लेंथ क्या होगी एल बाई टू और यहाँ पर लेंथ क्या होगी एल बाई टू, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर एल बाई टू का होल स्क्वायर आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर यही क्वेश्चन है, फिर से यही रॉड घूम रही है और इस बार पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है टू एंड ऑफ द रॉड, तो बोलो क्या होगा? फिर से सेम क्वेश्चन है एल बाई टू एंड एल बाई टू, इस बार यहाँ और यहाँ नहीं पूछा, इस बार यहाँ और यहाँ पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो, क्योंकि जो एंड यहाँ पर है घूम के वही एंड यहाँ पर आएगा, तो अगर यहाँ पोटेंशियल वी है तो यहाँ पोटेंशियल वी है, वी में से वी गया तो जीरो, इनमें और इनमें तो होगा पर इसका इसका क्या रहेगा जीरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में वो ये कह रहा है कि आपके सामने ये स्विच लगा हुआ है, इसे दबा देता हूँ तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ये पड़ोस के सेंटर पे जाके बी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? करंट अगर नीचे है तो यहाँ पर बी कैसे होगा आउटसाइड, बी की वैल्यू कैसे होगी आउटसाइड और अपनी वैल्यू को क्या करेगी इंक्रीज। अब रिंग कह रहा है कि अब मेरा बी आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है तो ये अपना बी कैसे कर लेगा इनसाइड, तो करंट कैसे घूमेगा इन क्लॉकवाइज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, लेकिन जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे वापस से तो करंट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो क्लॉकवाइज की बजाय करंट अब कैसे हो जाएगा एंटी क्लॉक, तो इसीलिए क्लॉकवाइज करंट है और फिर कैसे है एंटी, तो दबाया और खोल दिया, तो दबाया तो करंट क्लॉकवाइज है और खोला तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है यहाँ तक? लेंज लॉ हमने किया था सेम, जैसे अब सेम क्वेश्चन है, इस बार लूप राइट की जगह लूप लेफ्ट है, बटन दबाया करंट बढ़ा, अगर लूप को यहाँ रखा था और आंसर क्लॉकवाइज था तो ऑब्वियसली यहाँ रखने से एंटी एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा ही हो जाएगा काम, यहाँ क्लॉकवाइज तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट है, बात ही खत्म। एक बार मैग्नेट को रिलीज किया जाता है फ्रॉम रेस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब, एक कॉपर ट्यूब है और वेरी लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट है, बहुत बहुत लंबी है, कॉपर ट्यूब है जाती जा रही है, लेंथ खत्म ही नहीं हो रही। एक मैग्नेट को यहाँ से छोड़ दिया नॉर्थ एंड साउथ, कॉपर ट्यूब इमेजिन करो बहुत सारी रिंग से बनी हुई है, रिंग के नीचे रिंग के नीचे रिंग के नीचे रिंग के नीचे रिंग, तो जैसे ही नॉर्थ पोल पास आएगा पहली रिंग क्या डेवलप करेगा नॉर्थ, इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, इसे अपोज करेगा, लेकिन इसका वेट है ये एक्सलरेट कर रही होगी, ये और एंटर करेगी और तेज़ एंटर करेगी, वेलोसिटी बढ़ाएगी, करंट सेकेंड रिंग में उससे भी ज़्यादा पैदा होगा, ये वेलोसिटी और बढ़ाएगी, करंट और ज़्यादा पैदा होगा, वेलोसिटी और बढ़ेगी, एक्सलेशन है, करंट और पैदा होगा, ऑपोजिशन और ज़्यादा होगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी एक्सलेशन जीरो हो जाएगी और ये मूव करेगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये हमने प्लस वन में भी ऐसे टॉपिक्स किए थे कि शुरू में जैसे हम एक लोहे का स्फीयर पानी में गिरें तो शुरू में एक्सेलरेट करता है लेकिन कुछ देर के बाद इट अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी, इसके अंदर भी ऐसा ही है कि एक मैग्नेट जब इसमें एंटर करेगा और नीचे 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 आता रहेगा तो शुरू में एक्सेलरेट करेगा पर ऑपोजिशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे टाइम पे ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसलिए इट विल मूव ऑलमोस्ट विद कांस्टेंट स्पीड आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? ये क्वेश्चन में लेंज लॉ में किया था, जैसी आप इसे दबाएंगे जैसे आप इसे क्लिक करेंगे दबाएंगे तो ये करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा मान लो ये पोल्स डेवलप करेगा तो ये बी भी बढ़ाएगा, जब बी बढ़ाएगा तो ये भी नॉर्थ डेवलप करेगा ऑपोजिशन के चक्कर में और दूर रिपेल हो जाएगा, बटन दबाते ही रिपल्शन के चक्कर में दूर भाग जाएगा ताकि अपोज कर सके इंक्रीजिंग करंट को, तो ऐसे केस में जब बटन दबाते हैं ज़्यादातर तो दूरी भागता रहेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
एन ई एम एफ कैन बी इंड्यूस्ड बाई मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल सही, कंडक्टर को इमोशनल ई एम एफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो ई एम एफ पैदा की जा सकती है. सेकेंड है, ई एम एफ कैन बी इंड्यूस बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल ठीक, एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो भी ई एम एफ पैदा की जा सकती है. दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. कंसिडर द सिचुएशन एज शोन. The wire AB is sliding on a fixed rail with a constant velocity. तो constant velocity से इसको slide करवा रहे हैं. तो अब वो question में क्या कह रहा है? If the wire AB is replaced by a semicircular wire, तो magnitude of induced current क्या change होगा या same रहेगा? अगर मैं इस wire की जगह semicircular wire लगाऊं, तो जो motional EMF का formula है BLV, उसमें L जो ली जाती है वो displacement ली जाती है. आप अगर गोल रिंग भी लगा देंगे semicircular की फॉर्म में तो भी AB length displacement will remain same. फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए इमोशनल ईएमएफ सेम है तो कोई फर्क नहीं, इसमें ईएमएफ सेम ही जनरेट होने वाली है, कोई चेंज नहीं होगी इसमें. ठीक, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन टेस्ट के अंदर भी था ऐसा, इसका आंसर क्या होगा कि अगर आप मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से एक लूप को मूव करवाते जा रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस इन द लूप क्या होगा? जीरो. देखो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना. मान लो ये चार रॉड्स हैं, चार लेंथ हैं, एक दो तीन और चार. अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, इस लेंथ की, ये लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकती. किया था शॉर्टकट हमने, बी एल वी आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए तभी जनरेट होती है. ये भी रॉड में ईएमएफ जनरेट नहीं होने, इसमें होनी है. इसकी वेलोसिटी वी है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, तो इसमें क्या मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी? बी एल पे. डायरेक्शन का क्या होगी करंट की? इसमें बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, करंट ऊपर है. करंट ऊपर है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल, तो करंट तो हुआ. सेम रूल इसके ऊपर भी लगेगा, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. पर प्रॉब्लम ये है कि जो करंट यहाँ जाएगा जो यहाँ आएगा कैंसिल कर देगा, तो नेट करंट क्या होगा? जीरो. तो पूरे लूप का करंट जीरो होगा पर इन दो रॉड्स में ईएमएफ भी होगी और इन दो रॉड्स में करंट भी पैदा होगा. पर पूरे लूप का पूछा तो पूरे लूप का जीरो रहेगा. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक?